रमन जी एक ज्यादा और मुद्दे उठन लाग रहे, ज्यादातर आप में भी देखते हुए समाचार में अगर भाई एक जाल और के मुद्दे लगा लो भाई, और कितने एमपी के मुद्दे लगा लो, मतलब ये ज्यादा एक भेदभाव का सिस्टम चलने लग रहा है, क्योंकि मतलब दोबारा देख यह संस्था ये उठन लाग रही है भेदभाव। मैं छोटे भाई सुवर्ण में इतना कहना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और समाज में जात पात और छुआछूत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ऐसे लोग हैं इनको कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। जो एक बच्चा घड़े में मतलब पानी पीने के उस पर मतलब मारा जा है, तो इतना बड़ा कांड हो गया और भाई इतना समाज जो इकट्ठा हुआ था, क्या रणनीति मतलब रही आगे इस बारे में? रणनीति उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और आगे से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। ये और भाई हैं भाई, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे भाई साहब शिक्षा के बारे में आज की ये जो मीटिंग बैठी है समाज को? देखिए शिक्षा के बारे में ऐसा है, हमारा जो समाज है ना उसको मैं ये बात बोलूँगा, जो स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में आगे आए और हमारे जो उनसे जो ना हमारे हम जितना भी सपोर्ट करेंगे ना हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। आज मैंने जो मैंडी एरिया में एकेडमी करी है पैरा स्पोर्ट्स, संदीप हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स के नाम एकेडमी है, जिससे मैंने ज़मीन खुद ने दी है और 80 लाख रुपया मैंने खुद ने लगाए हैं। और जितने भी गरीब परिवार, आपसे पहला भी इंटरव्यू आया था, जितने भी गरीब परिवार से हैं मेरे एकेडमी में फ्री शिक्षा है, खान पीन की सुविधा फ्री है और जिसका खर्चा मैं खुद उठाता हूँ, सरकार से कुछ नहीं लेता हूँ। माय नेम इज स्वीता। तो क्या कहना चाहोगी ये जो लड़कियां जो आपका किस इसमें मेडल आया है? हैंडबॉल में। हाँ तो गेम के लिए जो लड़कियां आना चाहती है उनके क्या होगी? उनको आने के लिए मतलब आकर्षित करे ताकि वो गेम में आए और आगे बढ़े, ताकि समाज का नाम इकट्ठा हो। और हमारी बहन है गीता बबीता, देश में इतनी काफी ऊंचाई तक जा रही है, हमारी भी इच्छा है कि हम भी उनके साथ उनके बराबर खड़े हुए। मेरा नाम श्वेता है, बस मैं हमारे अकेडमी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। संदीप सर ने अकेडमी खोली है हरियाणा मांडी के नाम से, उसमें जल्द से जल्द जितना हो सके बच्चे जुड़े और खेले, फ्री सुविधा रहने की और खेलने की भी ग्राउंड है, सारी सुविधा दे रखी है सरों ने। और जितने भी गरीब परिवार से लड़कियां हैं या लड़के हैं अपने आके वहाँ पर प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से मेहनत करें और सरकार को गोल्ड मेडल दे। जय हिंद। नमस्कार। हेलो, मेरा नाम प्रियंका सिमरवाल है, मैं निगाना गांव में एकेडमी ओपन कर रही हूँ अब, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, कराटे की ब्लैक बेल्ट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी अकेडमी में बहुत सारे बच्चे आए और उनको कुछ सामान की सुविधाएं मिले। उनके पास वैसे कुछ सामान नहीं है, वो कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे गरीब घरों से हैं, और वह मैं अपने खुद मतलब मेरे पैसों से ही खुद लगा रही हूँ अभी तो, और सरकार भी उनको कुछ दे और वो आगे बढ़े। नमस्कार। नमस्कार सर, अपना शुभ नाम एक बार मार्गदर्शन बता दो। मेरा नाम श्री कृष्ण है, मोकरा से, और मैं पीटीआई पोस्ट पे हूँ मोकरा गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल में। तो क्या कहना चाहोगे शिक्षा की उसमें? शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी बेटियाँ हैं इनके लिए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी ही है और सभी के लिए ज़रूरी है वैसे तो, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो देश को बदल सकता है, अपने आप की ज़िंदगी को बदल सकता है। शिक्षा के बगैर तो मतलब आदमी एक भैंस के बराबर है, कहते हैं काला अक्सर भैंस बराबर, तो अक्सर मतलब हम जानेंगे नहीं तो भैंस एक पशु है जो उसके समान हो जाते हैं, तो इसलिए। और खेल है, खेल भी शिक्षा के साथ साथ है, जैसे कि आप लोग हम सभी जानते हैं पढ़ाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ साथ अगर आधा घंटा हम खेलते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहने से ही हमारा मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अपनी, और शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो एजुकेशन भी निरर्थक होगा उसके लिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या? मेरा नाम प्रिंस है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट है हमारी, और ये कलानौर के अंदर आवल ग्राम है, तो वहाँ पे मैं प्राइवेट संस्था में गणित का अध्यापक हूँ, और साथ ही साथ आवल ग्राम के अंदर मैंने कोचिंग सेंटर किया है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा देना, ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके, और जो समाज के अंदर लड़कियों के प्रति जो लोगों की सोच है, काफ़ी देखा है कि उनकी सोच अलग हो चुकी है, अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो लड़कियों को आगे नहीं भेजते, तो उसके प्रति भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने अपना इस सेंटर के प्रति मैं लोगों को संदेश देता हूँ कि वो बेटियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे हमारी सोच को बदलने का हमारा ये कर्तव्य रहना चाहिए। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक समाज ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अब समाज जो है हम देखते हैं कि बेटियाँ इतनी आगे बढ़ती जा रही हैं, और मेडलों में हो खेलों में
हो, शिक्षा में हो, हर विभाग में बेटियां जो है अपना नाम कमा रही है। तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारी बेटियां आगे जाएंगी, क्योंकि हम जब बेटों को अवसर देते हैं तो बेटियों को क्यों नहीं अवसर देते। उद्देश्य है ताकि गरीब बच्चों की सहायता कर सकूँ, उनकी जितनी भी मुझसे सहायता होती है मैं उनकी सहायता करता हूँ। भाई जिस भाई ने मैथ सीखना हो, कुछ भी ऐसा एजुकेशन के बारे में कुछ पूछना हो तो भाई से संपर्क जरूर।